आशीष, सब सदा सुखी रहो। ये श्रीमद् भगवद गीता की 12वें अध्याय भक्ति योग, भक्ति योग के अंतर्गत यहां बात कही कि परमात्मा को प्रिय कौन है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं कि परमात्मा को कौन प्रिय है और कौन प्रिय नहीं है, दोनों जानना चाहिए। प्रिय को भी जानो, अप्रिय को भी जानो। प्रिय भक्त वही होगा जिसके अंदर, श्लोक के अंदर जो लक्षण बताए गए वो लक्षण उसमें उपलब्ध होंगे। उससे तो ईश्वर बहुत प्यार करते हैं, और जिनके अंदर लक्षण नहीं होते वो ईश्वर से दूर रहता है। ध्यान देंगे, हमारे और अपने परमात्मा के बीच जो दूरी है वो किसकी है? परमात्मा कहाँ है? आपने सर्वगतम पढ़ लिया, सर्वगम सर्वगतम, जिसकी उपलब्धि सर्वत्र है वह परमात्मा है। और आपकी आत्मा में भी व्यापक बनते हुए उपस्थित है वो। अंदर अगर भक्त के लक्षण आ रहे हैं तब तो परमात्मा आपको बहुत प्यार करें, दया प्रेम करुणा की वर्षा करेंगे। लेकिन अगर वो लक्षण नहीं है तो ईश्वर की विशेष कृपा आपको नहीं मिलेगी। आपको विशेष चाहिए तो आपके अंदर इन श्लोकों के अंदर जो लक्षण भक्त के अंदर बताए जा रहे हैं वो लक्षण होना चाहिए। तो आत्मनिरीक्षण करते हुए आप ये देखें, क्या मैं ईश्वर का प्रिय होना चाहता हूं? होना चाहता हूं। तो क्या मेरे अंदर प्रिय रहने के जो वर्णित लक्षण है वो है? अगर नहीं है तो ईश्वर के लिए आप प्रिय नहीं है, अगर है तो आप ईश्वर को प्रिय है। ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों के माध्यम से हम मनुष्यों को दे रहे हैं। क्या कहा? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मैर्पित मनोबुद्धिः यो मदभक्तः सबे प्रिय है। तो कल क्या बनाई गई थी?
कि हे संसार के मनुष्यों, अगर आपको किसी प्राणी से द्वेष नहीं है तो आप ईश्वर के प्रिय बनेंगे। दूसरी बात कही कि संसार के समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता का व्यवहार, सबके मित्र बनना, यूनिवर्सल फ्रेंड। कल बात कही थी, कल मतलब समझ रहे ना, तो हमको यूनिवर्सल फ्रेंड बनना है। और क्या कहा, यूनिवर्सल आप आदृष्ट का मतलब है द्वेष नहीं करने वाला, जो द्वेष नहीं करता तो प्रहर करेगा। द्वेष की परिभाषा क्या है कोई बताएगा? कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों में से क्या कोई विद्यार्थी द्वेष की परिभाषा बताएगा? किसी प्राण के साथ वैरभाव न करना। महर्षि पतंजलि जी के सूत्र के अनुसार क्या है? दुखानुषयी द्वेष, रागानुषयी सुखानुषयी राग, दुखानुषयी द्वेष। अब दुख देने वाले व्यक्ति के प्रति हमारे मन में क्रोध का उत्पन्न होना, उसको मार डालने की इच्छा होना है जी, अंदर से जिससे द्वेष होता है उसके लिए, उसके प्रति क्रोध भी होता है, इसी क्रोध की भावना का नाम द्वेष है। अगर आप संसार में किसी से द्वेष न करें, किसी से द्वेष नहीं करना है, तो क्या होगा? आपके मन में किसी भी प्राणी के प्रति क्या नहीं पैदा होगा बोलो? क्रोध की भावना, क्रोध भाव, क्रोध की भावना पैदा ही नहीं होगी। और क्रोध जो है वो मनुष्य को चिता के तुल्य भस्म कर देता है। द्वेष आत्मा जल जल करके अंदर भस्म हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले कहा जो द्वेष नहीं करता ठंडा है, आनंद है, मस्त है। सबसे प्यार करे, द्वेष किसी से न करे, वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है। अब एक दूसरे से सीरीज चलाई हमारे गुरु ने, अर्थात कृष्ण जी तो वंदे कृष्णम जगत गुरुम, वो हमारे गुरु हैं, और गुरु ने जो उपदेश किया उसकी सीरीज बनाई। पहला अद्वेष्ट, आपको द्वेष नहीं करना। दूसरा क्या है, अगर आप द्वेष नहीं करते तो क्या है, मैत्र, क्या मित्र से आप द्वेष करते हैं? अगर आप द्वेष नहीं करते तो आप सबके मित्र ही होंगे, वो पर्याप्त हो जाता है। किसी के दुश्मन नहीं होंगे, सबके मित्र होंगे। अगर आपके अंदर द्वेष नहीं है तो सबके मित्र होंगे, और द्वेष है तो ज्यादातर लोगों को आप अपना शत्रु बना लेंगे, हानि होगी ना। और आगे स्पष्ट किया उसी से मिलता जुलता करुणा, जो द्वेष नहीं करता वो सबका मित्र होता है, जो सबका मित्र होता है वह करुणा दया भाव वाला होता है, उसमें दया होती है। इमोशंस दया के आते हैं, द्वेष नहीं तो दया होगी, द्वेष नहीं तो क्या होगा बोलो, मित्रता होगी। और आगे क्या कहा, निर्ममः, जो किसी से द्वेष नहीं करता वो उसके प्रति उसका उसकी आसक्ति भी नहीं होती। ध्यान देना, द्वेष करने वाला शत्रु बनाता है, राग करने वाला सांसारिक मित्र बनाता है,
सांसारिक मित्र भी शत्रु है। बोलो जरा साहब, तो सांसारिक शत्रु भी मित्र, सांसारिक मित्र भी शत्रु है, मित्र भी शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो अविद्या के कारण संसार के समस्त प्राणियों से द्वेष कर रहा है। इसलिए संसार सांसारिक द्वेषी हो या रागी हो, दोनों त्यागी हैं। और भगवान को प्रिय बनना है तो बोलो, न आप राग करेंगे न आप द्वेष करेंगे। ये कब संभव है? ये कब संभव है? मूल में समझना, अगर विद्या है तो द्वेष नहीं है, और द्वेष नहीं है तो मित्रता है, मित्रता है तो करुणा है, करुणा है तो ममता नहीं है, और अहंकार नहीं है, विनम्रता है। अब बताओ, सब एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं कि नहीं? बोले गीता बड़ी कठिन है। क्या कठिन है? एक सीरीज है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। कितना बढ़िया क्रम सुग्रथित रूप में हमारे सामने ऋषि ने और योगेश्वर कृष्ण जी ने रखा है। अब जरा उल्टा चला दो तो द्वेष करने वाला सबका शत्रु होगा, द्वेष करने वाला निर्दयी होगा, द्वेष करने वाला ममता से युक्त होगा, अविवेकी होगा, द्वेष करने वाला अहंकारी होगा। तो मूल में अगर द्वेष निकल जाए तो क्या होगा बोलो? बाकी सब सुधर जाएगा। और द्वेष क्या है? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। द्वेष क्लेश है, और इसकी जननी कौन है? अविद्या। अविद्या राग द्वेष अग्निवेश, और बड़ा जी बोलो, अविद्या अस्मिता, ये चार प्रकार के जो क्लेश उत्पन्न होते हैं उसकी जननी अविद्या है। तो योगेश्वर योग विद्या के तत्वज्ञ और मर्मज्ञ हैं। उनके प्रवचनों में या उनके उपदेश में अगर योग विद्या नहीं आ रही है तो योगेश्वर या उनको भगवान श्री कृष्ण कैसे कहोगे? भक्ति के प्रकरण में जी योग दर्शन आता है, योग दर्शन का भाष्य और महाभारत की रचना करने वाला एक है। योग दर्शन का भाष्य महर्षि व्यासकृत है, और पूरा भारत इतिहास ऐतिहासिक ग्रंथ है, वो भी क्या हो गया बोलो? महर्षि व्यास कृतम। इसलिए योग समझना है। आगे क्या कहा? निर्ममः निरहंकारः, ये बात हमारी पहले हो चुकी है। सम दुख सुख क्षमी, सुख दुख में समान रहना कितना कठिन है। कांटा चुभ जाए दर्द होता है ना, कांटा चुभे तो पीड़ा होती है। और कोई अच्छा सात्विक भोजन दे दे तो सुख मिलता है, सात्विक आहार कुछ भी दे दे। तो कांटा से दुख आया और सात्विक भोजन से सुख आया, दोनों को ऋषियों ने कहा त्याज्य है, और दोनों को त्याज्य मानने वाला मुझे बहुत प्रिय है। सुख और दुख को समान समझो। कैसे? ध्यान दीजिए, महर्षि व्यास ने योग दर्शन के अविद्या वाले सूत्र के भाष्य में लिखा, अविद्या वाला, अविद्या नहीं दुख वाला, अविद्या वाला तो 15वां सूत्र है। 5वां सूत्र क्या है?
परिणाम ताप संस्कार ही गुण वृद्धि विरोधा दुखमेव सर्वम। अब बताओ आपको जो लौकिक सुख आ रहा है वो सर्वम में आता है कि नहीं आता है? आता है। आता है तो लौकिक सुख भी दुख है। क्यों? दुख मिश्रित है। ऋषि ने लिखा सुख ख्याति ही अविद्या। अगर कोई व्यक्ति संसार के पदार्थ में सुख दे रहा है जड़ से अचेतन वो विद्या है। क्यों? क्योंकि जो सुख दे रहा है उसमें परम सुख नहीं है, सापेक्षिक है, एब्सोल्यूट प्लेजर चाहिए, रिलेटिव नहीं चाहिए, सापेक्षिक सुख नहीं, निरपेक्ष सुख की कामना। अब निरपेक्ष सुख तो संसार के न तो सुख में है न दुख में। अच्छा ये बताओ आप जो रसगुल्ला खाते हो तो रसगुल्ले में दुख है कि नहीं? है। दुनिया तो कहती है कुछ नहीं है, मस्त लगता है, मीठा एकदम फर्स्ट क्लास आनंद देता है। कांटे की चुभन तो सबको दुख देती, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन रसगुल्ले का भोग दुख कह देता है, सुख देता है। महर्षि व्यास कह रहे हैं सुख ख्याति ही लौकिक पदार्थों में सुख लेना भी अविद्या है। क्यों? क्योंकि लौकिक पदार्थों के अंदर भी दुख संतुख क्या है, मिश्रित है, मिलावटी है। हमारे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुखी और सुखी, ध्यान दी, सुख और दुख दोनों में समान रहना है। तो रसगुल्ला मिले बड़ा मजा आया, कांटा मिले बिगाड़ दिया, तो ये विकार नहीं होना चाहिए मुंह में। रसगुल्ला खाया जा रहा है बिल्कुल मुंह में चमक रहा है, रसगुल्ला में आनंद आ रहा है, और कांटा चुभ गया, अरे क्या हो गया, रसगुल्ला खा रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या ये बोले दोनों विकृतियां, ये दोनों विकृतियां हैं। जो सुख दुख को समान नहीं माना वो विकृत है, वो विद्यावान है। ये अर्जुन सुख दुख में समान बुद्धि रख करके तू आगे बढ़ तो परमात्मा का प्यारा हो जाएगा, ईश्वर को प्रिय वही होगा। लौकिक सुख को भी वो दुख की कोटि में स्वीकारता है, इसको भोग करके भी क्या परमात्मा का आनंद किसी सात्विक पदार्थ में है? नहीं है। राजसिक हो, तामसिक हो या सात्विक हो, तीनों प्रकार के पदार्थों में क्या नहीं है बोला, ईश्वर का सुख नहीं। संसार का सुख दुख मिश्रित है, ईश्वर का सुख परमानंद परमशुद्ध पवित्र है और शाश्वत है। तो आपको शाश्वत सुख चाहिए तो लौकिक पदार्थों के सुख दुख में समान रह करके इनका भी त्याग करना होगा। अगर त्याग नहीं कर पाए तो मुझे नहीं पाओगे। परमात्मा का उपदेश योगेश्वर के माध्यम से हमको मिल रहा है। क्या उपदेश आ रहा है? अगर सुख और दुख में समान बुद्धि नहीं बनाई तो मेरे से तुम सदा दूर रहोगे। मेरे अंदर, तेरे अंदर मैं भरा हूं लेकिन तुझे मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, क्योंकि तू मुझे प्रिय नहीं है, लक्षण नहीं है। तू संसार के पदार्थ के सुख पदार्थों में डूबा हुआ है, लौकिक सुख में निमग्न है, तू तो गंदा हो रहा है। तेरा मन, तेरी आत्मा गंदी हो रही है, गंदे मन और गंदी आत्मा में है अर्जुन। तू बताना ये संसार के भक्तों, बताओ
आपका मन आपकी आत्मा अगर मलिन रहे तो क्या इस मलिन आत्मा और ईश और बोलो मन से अंतःकरण से परमात्मा मिलेंगे? नहीं नहीं। बहुत बड़ा उपदेश गीता के माध्यम से दिया जाता है। और ध्यान दीजिए, सुख दुख सम, मैं बार बार एक दृष्टांत मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देता हूं। योगेश्वर कृष्ण करते थे ना, राज्य चला गया, मथुरा से द्वारका आना पड़ा, बस क्या सिखाया, राज्य छोड़ा तो भी योगी और जंगल में रहा तो भी योगी, युद्ध के मैदान में रहा तो भी योगी, धर्म युद्ध या तो भी योगी, एक पत्नी के साथ संबंध रहा तो भी योगी, हमारा योगेश्वर कभी योग भ्रष्ट नहीं हुआ। किसी भी परिस्थिति में योगेश्वर को भ्रष्ट नहीं किया, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करो, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत दुनिया में ऐसा महान पुरुष नहीं मिलेगा। जन्म जेल में हो और मौत जंगल में हो, कहां मिलेगा? ऐसे महान पुरुष को हमारी प्रजा कहां स्वीकार रही है कि जन्म कहां और मृत्यु कहां हुई है, और जन्म और मृत्यु के बीच धर्म की संस्थापना के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, सब छोड़ के चले गए, द्वारका भी छोड़ दिया और अंत में जंगलों में चले गए, वहां मौत हुई, छोड़ा है सब, सुख दुख समहा, सम सुख दुखा। महान पुरुषों का चरित्र तो देख लो आप, पांडव लोग भी, अरे भाई 5 गांव तो दे दे, हमको नहीं चाहिए राज्य, नहीं देंगे। सम सुख दुखा, रामचंद्र जी को आप एक दिन तो बताते हैं आप राजा हो गए, पूरे अयोध्या में मंगल हुआ, सब प्रसन्न हुए, उत्सव मनाया, और दूसरे दिन क्या हो गया, सब पलट गया। जब उनको राज्याभिषेक का समाचार मिला है, कोई विकार चेहरे पर नहीं दिखा, और जब समाचार 14 वर्ष के वनवास का मिला है तो भी चेहरे पर कोई विकार नहीं। ये है महान पुरुष, कहां से थोड़ा सा सुख मिला तो इतराने लगते हैं, दुख मिला तो चिल्लाने लगते हैं, न इतराना न चिल्लाना, परमात्मा के प्रिय मन में हम बनना हो तो चिल्लाना बंद करो, रोना बंद करो। बहुत कम प्रकरण आते हैं जब पांडव रुदन किए हो, या तो फिर योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण किए हो, या रामचंद्र जी किए हो, कभी नहीं। करुणा है, करुणा है, कभी अंदर से दुख उत्पन्न हो, दुख की भावना उत्पन्न हो जाए, ये महान पुरुष के अंदर नहीं होता, वो मैनेज करता है। तो क्या हुआ बोलो, राज्य मिले तो भी समा, समत्वम योग उच्यते, समता बनी नहीं है, और जब राज्य छिन गया तो भी पिता का आदेश, पिता के आदेश का पालन करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए न जंगल चाहिए, जहां भेद तो वहां चले जाएंगे, हम तो बिल्कुल क्या है जी बोला, एक पोस्ट कार्ड है जिसके ऊपर मेरा कोई नाम नहीं, मेरा पता आपको दिया, आप लिखो कि मुझे क्या करना है,
इतना बड़ा समर्पण हमारे महान पुरुषों में और हमारे भक्त हमारे भगवान में है। तो बोलो जना साहब, अब आप लोग सुख दुख में समान रहोगे कि सुख में इतराओगे और दुख में चिल्लाओगे? समान समान रहने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करें, अभ्यास करें, समान रहेंगे। ये सामर्थ्य आपका आएगा क्यों? ऐसा करने का अभ्यास करोगे तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे। सुख दुख समे कृत्वा सम सुख दुख, और आगे क्या कहा? क्षमी। क्षमी का मतलब आप जानते हैं, द्वंद्व सहनम तपम, द्वंद्व को सहने वाला तपस्वी क्षमाशील होता है। और क्षमा का सबसे बड़ा निकटतम अर्थ है क्या करना? सहन करना, और अधीर नहीं होना, सहन कर लो, जहां तक बने वहां तक। पत्नी की बात सहन नहीं कर पा रहे, अपने बेटे, अरे परिवार में गृहस्थ में रह रहे हो, बात बात में क्रोध नहीं करना है, क्षमा करो ना, लेट गो करना ना, दिन भर उसी को क्या करेंगे? चर्निंग करेंगे, दिमाग अपना भी खराब करेंगे, पूरे घर को परेशान करके रख देते हैं। इसलिए कहा, जो क्षमाशील नहीं है, जो सहनशील नहीं है, जो दूसरों के द्वारा दिए गए दर्द को पीड़ा को व्यक्तिगत रूप में सहन नहीं कर सकता, ऐसा असहनशील व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है, सहन करने वाला मुझे प्रिय है। सहन करो अर्जुन, तुम कहां सहन कर पा रहे? युद्ध के मैदान में खड़े ये तुम्हारे अपने जिसको मान रहे हो, है जी, कहां गई तुम्हारी तपस्या, कहां गया तुम्हारा सामर्थ्य? सब कुछ अधर्म के कारण नष्ट हो गया। धर्म से याद रखो, उत्तम लक्षणों की रक्षा होती है, और धर्म के विरुद्ध आचरण करने से उत्तम उत्तम प्रकार के लक्षण भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्म का आचरण, ये सब धर्म का आचरण बताया जा रहा, इस समय धर्मोपदेश चल रहा है। ये कौन है मुझे प्रिय? आगे क्या कहा? संतुष्ट, संतुष्ट पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत जो भी पदार्थ प्राप्त हो जाए उस पदार्थ में संतुष्ट, संतोष। जीवन लाभ और हानि, लाभ और हानि, कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है। हानि हो जाए तो भी आपको बिल्कुल दुखी नहीं होना है, प्लानिंग करके आगे बढ़ो, हानि को ठीक करो। लाभ हो रहा है तो जो लाभ मिल जाए उसे संतुष्ट रहो, क्योंकि आपने पूरा पुरुषार्थ किया है। पूरी मेहनत करने के बाद जो मिले उससे संतुष्ट रहना, ऐसा करने वाला भक्त मुझे प्रिय है। और याद रखो, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र बनाया, अब देखिए संतोष से लाभ क्या है। पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत जो मिल जाए उसमें मस्त रहना। कुछ लोगों के पास तो करोड़ों रुपए हैं, अरबों हैं, लेकिन उसमें लाख का अगर नुकसान हो गया ना तो भी ऐसे रोते हैं, ऐसे पीटते हैं। जितना है ना उतने का सुख नहीं है, जो नहीं है उसका दुख ज्यादा है। ये जो उपदेश चल रहा है ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मानसिक उपचार है ये। संतोष असंतोषी मानसिक रोगी है, जितना मिले उतने से संतुष्ट क्यों नहीं रहते? मन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, आत्मा की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। बच्चा जो है परीक्षा दे रहा है, 100 में से 95 ला रहा है, अब पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? 5 कहां गए, 5 कहां गया? बोले भाई
सौ में से 95 लाया है तो पांच, अब पांच कहां गया, 95 पर संतुष्ट नहीं है, पांच नहीं मिला उसका क्लेश है, रोए बैठे हैं ऐसे। अरे क्या हुआ? बोले सौ में से पांच कट गए। अब बताइए आप, 95 पर सुख नहीं दे रहा है, पांच नहीं मिले उसका बड़ा सुख दुख है। एक करोड़ बिजनेस में लगा दिया, लाभ निश्चित किया था कि कम से कम 20 लाख रुपया हमको लाभ हो। अब लाभ जो हुआ वो 20 के जगह 15 लाख का हुआ, 5 लाख कम हो गए। अब वो क्या सब पीट रहा, बोले क्या हुआ? बोले लाभ में से 5 लाख का नुकसान हो गया। अरे बोले लाभ तो हुआ है, 15 लाख का लाभ तो हुआ है। अरे वो तो छोड़ो, 5 लाख नुकसान हो गया। विचारना नहीं आया ना, विचारने की कला, चिंतन करने की कला, अपने मन और आत्मा को संतुष्ट रहने की कला जिसके अंदर है वह भक्त मुझे प्रिय। पूर्ण पुरुषार्थ करने जो मिले उसमें मस्त रहना संतोष, और संतोष का जो पालन करता है, संतोषात अनुत्तम लाभ, संतोष का पालन करने वाले योगाभ्यासी को, योगी को क्या मिलता है? अनुत्तम, सर्वोत्तम लाभ मिलता है। अच्छा ये बताओ, संतोष का पालन करने से सुख बढ़ता है, आंतरिक सुख आता है, मानसिक, और इसी संतोष का पालन करते रहोगे तो आगे बढ़ करके सबसे बढ़िया चीज आपको मिलेगी, अनुत्तम, जिससे उत्तम कोई नहीं है, सर्वोत्तम ईश्वर का आनंद मिलेगा। बोलो, संतोषी तो ईश्वर का आनंद प्राप्त कर लेता है। और जिस व्यक्ति में असंतोष नहीं, संतोष नहीं है, असंतोष है, वो संसार में एक पल के लिए भी प्रसन्न नहीं रह सकता। उसका मन, उसकी आत्मा में सदा क्या है जी, दुख दुख पीड़ा, दुख पीड़ा, मतलब थॉट प्रोसेस ही गलत है, थॉट प्रोसेस गलत है। आगे देखिए, सततम योगी, सततम योगी का मतलब है, याद रखें, निरंतर योग स्थिति में रहना। सततम का अर्थ है निरंतर, लगातार। योगी का मतलब क्या हुआ? योगी अपने मन पर अधिकार रखते हुए परमात्मा में अपने को प्रस्थापित रखता। बोले निरंतरता कैसे बनेगी? अब देखिए योग दर्शन आएगा, फिर तत्र स्थितव्यत्र अभ्यास, मन की अशांति उत्पन्न करने वाली तरंगों को कैसे रोकोगे? बोले राजसिक तामसिक तरंगों को है अर्जुन, कैसे रोका जाएगा? बोले अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास और वैराग्य से निरोध किया जाएगा। और गीता में भी कहा अभ्यासेन तु वैराग्येन, कहा ही नहीं, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रण मिला, अनावश्यक पदार्थ का की वृत्तियां मन में नहीं उठनी चाहिए, तो क्या करेंगे? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब अष्टांग योग, अब ध्यान देना है अष्टांग योग। अब इस अभ्यास का जो अनुष्ठान होगा उसकी विशेषता बता दें, वो विशेषता आप सुन लीजिए। ये जो श्लोक आपको कहे गए हैं ना, कोई एक ऐसा अर्थ बता के चला जाऊं आपको रुचि बनेगी? श्लोक का अर्थ तो आप किताबों में भी पढ़ लेंगे, लेकिन इसके गूढ़ार्थ पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो पद श्लोक में लाए गए हैं ये कितने महत्वपूर्ण है। सततम योगी, सुबह से शाम तक अपने मन को प्रभु में लगाए रखो, सततम कंटिन्यूअस ईश्वर प्रणाम। जो सतत मेरे साथ अपने मन से संलग्न है
वो मुझे प्रिय है। वह अभ्यास दीर्घ काल तक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, तपस्या पूर्वक होना चाहिए, विद्या पूर्वक होना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक होना चाहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित सत्कार का मतलब है श्रद्धा, विद्या, ब्रह्मचर्य, तपस्या। ये चार चीजें है अर्जुन, जिसके पास नहीं होती वो मुझे प्रिय नहीं है। एक दिन बड़ा ज्वार बिल्कुल उठा, हाई हाइट भक्ति कर ली और कोई साला राम, ऐसा नहीं चलना है। अभ्यास छोड़ो मत। और अभ्यास का मतलब होता है जिस साधन से हमारे जीवन की उन्नति हो, ध्यान दो, उस साधन को हम लगातार निरंतर श्रद्धा पूर्वक, तपस्या पूर्वक, विद्या और ब्रह्मचर्य पूर्वक पालन करेंगे, उसका सेवन करेंगे, हम वत से गिरेंगे नहीं। ये बात आ गई क्या? सततम योग, परमात्मा से सतत भाव संबंध बनाए रखो और सुबह शाम संध्या में बनाए रखो, लेकिन व्यवहार काल में बनाए रखो। व्यवहार काल में भी ईश्वर के साथ हमारी हम ईश्वर के साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ है, इस प्रकार का भाव कभी भी सततम लगातार बना रहना चाहिए। ईश्वर परिधान, ईश्वर में अर्पित हो गए, समर्पित हो गए, समर्पण है। आगे देखिए, आगे कहा यथात्मा। यथात्मा का मतलब जिसका अपने ऊपर वश चलता है, नियंत्रण। शादी आ गई ना, इसलिए क्लास छोड़ दी, कहीं गए हैं क्लास छोड़ दी। अब तो ऑनलाइन में नेटवर्क की इतनी सुंदर व्यवस्था, जहां रहो वहीं बैठो। योग ध्यान दीजिए, यहां पर भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आ रहा है कि जो व्यक्ति यथात्मा नहीं है, अपने आप पर जिसका वश नहीं है, ऐसा बेवश व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं। परिस्थितियों का दास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये परिस्थिति को बीच में क्यों लाना है? कोई भी परिस्थिति मेरे व्रत को तोड़ नहीं सकती। इस प्रकार संकल्प व्रत व्यक्ति हमको प्रिय। युद्ध के मैदान में खड़े हो, संकल्प तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? हैं? अपने ऊपर वश है, बोले हाथ में बस नहीं, पैर में नहीं, शरीर में नहीं, प्राण में नहीं, आत्मा में नहीं, मन में, सब बेवश पर वश पराधीन हो गए। ये पराधीनता हमारे योगेश्वर को पसंद नहीं है। स्वाधीन अदीना श्यामा, दीनहीन होने की बात मत करो। क्रांतिकारी श्री कृष्ण भगवान का, बोलो, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश क्रांतिकारी उपदेश है। परिस्थितियों को कभी भी कारण मत बताना, इन परिस्थितियों के कारण हम अपने कार्य से भटक गए या कार्य को नहीं किया, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा गुलाम, ऐसा इंद्रियों का गुलाम, ऐसा अपने विषयों का गुलाम व्यक्ति मुझे कभी प्रिय नहीं रहा और न रहेगा। कभी क्या आपने सुना कि महान पुरुष हुआ हो और उसका अपने मन पर, अपनी शरीर और अपनी आत्मा पर नियंत्रण हो? मनो नियंत्रण इंद्रिय निग्रह जिसके अंदर है वही महान है। और आगे क्या कहा? दृढ़ निश्चय, तुम्हारी तरह ऐसे हिलने डुलने वाला नहीं, चलने वाला है। दृढ़ निश्चय व्रत, दृढ़ संकल्प व्रत, दृढ़ संकल्प दृढ़ व्रत वाला व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। ये ढीले ढाले लोग मुझे प्रिय नहीं है।
और जब तक जी 5000 वर्ष पहले जब तक हम सब लोग आर्य थे तब तक आर्य ढीले नहीं थे। आर्य का मतलब है ज्ञान पूर्वक निर्धारित नियमों पर व्रतों पर सार्वभौमिक व्रतों पर अपने को चलाना, उसमें जरा सा भी ढील ढाल नहीं देनी। दृढ़ निश्चय फर्म डिटर्मिनेशन, मैं करूंगा मैं कर सकता हूं। अर्जुन तू क्यों ढीला हो गया, तू युद्ध जीतेगा, लेकिन अगर तुझे ममता सता रही है मोह सता रही है तो तू युद्ध नहीं जीत सकता। यथापत्ति से अर्थ ले लो, ढीला ढाला आदमी अपने जीवन में हारता है और हर फील्ड में वो विजयी नहीं होता, हर बार हार जाता है। शरीर पर वश नहीं, मन पर वश नहीं, बोलो आत्मा पर वश नहीं, आत्मनियंत्रक नहीं, मनोनियंत्रक नहीं, शरीर नियंत्रक नहीं, क्या पाए गए? ऐसी गाड़ी जिसमें बोल्ट ना हो तो गाड़ी कैसे चलती है, जरा बताना तो? नहीं चल पाएगी। नहीं चलती कैसी है? अगर बोल्ट ढीले हो गए तो कैसे चले? हिल हिल डुल के। ये हालत वाली स्थिति नहीं चाहिए। गीता पढ़ते हो तो पहला एक संकल्प करो, जो निर्णय किया जिस स्थान पर पहुंचना है, कब पहुंचना है, किस प्रयोजन के लिए पहुंचना है, किसी को समय दिया है, मर के भी निभाओ। अर्जुन मैं पांडवों के साथ आज से नहीं सदा से रहा। क्यों? क्योंकि तुम धार्मिक थे, तुम कृत संकल्प थे, तुम लोगों को क्या हो गया? द्रौपदी का चीर हरण हुआ तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हें क्या हो गया है? मैं नहीं था, मैं तो युद्ध में था। अगर मैं होता तो दुशासन ये दुस्साहस करता, लेकिन तुम हिंजड़े हो गए, हिंजड़े हो गए। एक एक मारथी कहां, युधिष्ठिर को देखो, अर्जुन को देखो, भीम को देखो, नकुल, सहदेव, ये सारे महावीर हैं। महावीर एक दुष्ट व्यक्ति के सामने हार गए और अपनी पत्नी को हार गए, इतना गिर सकते हैं? दृढ़ निश्चय। इसलिए यम नियम का पालन, इसमें यम जो है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहः, यमः अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पांच व्रतों का नाम सार्वभौमिक धर्म है, सामाजिक धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है, मनुष्य मात्र का धर्म है, और इन धर्म का पालन करने में जो कृत संकल्प है वो मुझे प्रिय है। अहिंसा का पालन करे, सत्य का पालन करे, अस्तेय का पालन करे, संयम से रहे और विषयों का मर्यादित प्रयोग करे, हे अर्जुन मुझे अर्थात परमात्मा को बहुत घर पर चलने वाले प्रिय। आवृति दस्यु व्रति आर्य, आर्य व्रत होता है। आर्य कौन है बोलो? आर्य का मतलब होता है, वेद कहता है आर्य वो है, आर्य कौन है? जो व्रतशील होता है, जो व्रत लिया उसको पूरा करता है, और पूरा नहीं हुआ तो पूरा हो जाता है लेकिन पीछे लौटता नहीं है। पीठ दिखाना काम आर्य का नहीं होता। और दस्यु का मतलब पलायनवादी, भाग जाना, कायर हो जाना। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन नहीं है। धर्म का पालन न करने से हे अर्जुन मुझे ऐसा भक्त प्रिय नहीं है, उसको मैं विशेष प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान नहीं करता। और अभी तो जमन चल रहा है, जन्म के बाद जो है ना पशु में ले जाकर के इनको ठीक करें, ये ईश्वर का निर्देश है। और आगे क्या कहा देखें, मई अर्पित मनो बुद्धि, अर्पण आ गया ना, समर्पण,
मुझ में जिसने अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से नियुक्त कर दिया है, मत भक्त समय प्रिय, वह मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। क्या किया वो? मई अर्पित मनो, क्या क्या बोला? मनोबुद्धि, मन और बुद्धि दोनों को, चित्त को और बुद्धि दोनों को मेरे में लगाने वाला और मुझे में लगा रहने वाला ईश्वर परिधान से युक्त भक्त मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ईश्वर परिधान करने वाला सबसे बड़ा भक्त ईश्वर का माना जाता है। और ध्यान देना, जैसे मैंने कहा था कि ईश्वर में समर्पण करने से लाभ क्या होगा, वो बात कहकर के कक्षा को हम समाप्त करेंगे। एक मिनट लगेगा। क्या है? ध्यान देंगे। ईश्वर ने जिसने अपने मन बुद्धि को लगाया, भाव को समर्पण किया, क्या होगा? परमात्मा क्या करेंगे? ऐसे समर्पित भक्त के लिए ईश्वर क्या करेंगे? तो महर्षि व्यास कह रहे हैं, सुन लो, आप जब ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण करोगे तब ईश्वर आपके लिए क्या करेंगे। इसलिए कहा क्या, भक्ति विशेष, भक्ति विशेष से आवर्तित, मुड़ा हुआ, ईश्वर तम अनुग्रहणा, ऐसे विशेष भक्ति करने वाले के प्रति परमात्मा अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। बोला कैसी कृपा करते हैं? अभिज्ञान मात्रेणा, अभिज्ञान मात्रेणा, संकल्प मात्रेणा, ईश्वर में जो समर्पित हो गया प्रभु ने उसको अपना बना, अभिध्यान मात्रेण भगवान ने क्या किया, आपको संकल्प के द्वारा अपना बनाया और आपके ऊपर कृपा की। क्या बोलते हैं, कृपाओं का क्या शब्द कहे कम पड़ता है। इसलिए कहा, मई अर्पित मनोबुद्धियो मद भक्त समय प्रिय, जिसने मुझ में अपने को अर्पित किया, भक्ति विशेषात आवर्तित ईश्वर, भक्ति विशेष से संकल्प करता हुआ ईश्वर ऐसे योगाभ्यासी और भक्त को क्या करता है, अनुग्रह। आपको ईश्वर की कृपा चाहिए? बोलो चाहिए, चाहिए। अगर ईश्वर की कृपा चाहिए तो मन बुद्धि ईश्वर में लगाओ, समर्पण करो। ईश्वर को अपने अंदर बाहर सर्वत्र मानो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये ते तिष्ठति अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से तिष्ठति अर्जुन। यही तो 18वें अध्याय में जाकर के हमारे भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया, ईश्वर सर्वभूतानां, सारे प्राणियों के अंदर ईश्वर तिष्ठति, प्रतिष्ठित है, आपके अंदर भी है, सर्वत्र है। तो ऐसे सर्वत्र सर्वदेश काल में प्रतिष्ठा प्राप्त उस महान चेतना को क्या करो, समर्पित हो जाओ ना। और समर्पण किया नहीं कि भगवान ने आपके लिए संकल्प किया नहीं और अपने संकल्प से आपको अपना आनंद पिलाने लगेंगे। बोलो क्या किया, संकल्प से आनंद रस पियो। भगवान ने आपके लिए संकल्प कर लिया, भक्ति से प्रभावित हो गए ईश्वर, तो भगवान को हमने भक्ति से प्रभावित किया है। भगवान भक्त के प्रति क्या हो गए, तेरा संकल्प मेरा हो गया, आजा मेरे पास, तेरी कामना मेरी हो गई, तेरी अभिलाषा मेरी हो गई। अब तुझे, तू मुझ पर छोड़ दे, मैं अब तेरा संकल्पक हो गया, मैं संकल्पक हो गया। ये भक्ति का कमाल है। अगर आप सब हम वास्तव में समर्पण का रस ज्यादा बढ़ा दें
तो भगवान का आनंद रस बड़ी शीघ्रता से प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस कक्षा को यहाँ हम समाप्त करेंगे। 10:10 पर यह कक्षा समाप्त होनी चाहिए, 5 मिनट हमने अतिरिक्त लिया और प्रयास यही करेंगे कि 10:10 पर यह कक्षा समाप्त हो जाए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा।